वेलकम टू आरजी किचन। इस तरह से अगर बड़ी बनाना हो तो पूरा वीडियो को देखिएगा। एक ऐसा ट्रिक है, मैं बता दूंगी कि इसी तरह से सॉफ्ट बड़ी बनाना है, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। देख लीजिए एयरपोर्ट केट कितना है, इसमें एकदम सॉफ्ट बना है, तोड़ के मैं दिखा दे रही हूँ। तो चलिए बताते हैं किस तरह से बनेगा। तो बेसन ले लीजिए चाल कर छलनी से, और उसमें हल्दी डाल देंगे, मीठा सोडा और नमक डालकर उसको बढ़िया से घोल लेंगे आधा गिलास से। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, थोड़े थोड़े करके अजवाइन डाल देंगे इसमें, पछता है अच्छा खाना। तो इसको हल्के हल्के पानी डाल कर पहले घोलेंगे, शुरू में ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। तो देखिए इस तरह से घोलना है, एक ही तरफ घोलेंगे, 5 मिनट तक घोलना पड़ेगा, घोल को पूरा एक तरफ ही घोलिएगा। चलिए कढ़ाई में तेल बिठा दिए हैं, तो मैं छान के दिखा दे रही हूँ किस तरह से छनाएगा। तो इस तरह से तोड़ लेना है बड़ी की तरह, देखिए इसी तरह से सारे बड़ी को छान के निकाल लेना है इस तरह से। देखिए कितना अच्छा लगा रहा है लुक किसका, देखिए परफेक्ट है। इस तरह से घोल बनाना है बड़ी का, ठीक इसी तरह से घोल तैयार किए। मैं अपने घोल अभी दिखा दे रही हूँ आपको, इस तरह मैंने तैयार कर लिया था। तो ठीक आप लोग भी घोल इसी तरह तैयार कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से सॉफ्ट है, देखिए आपको मैं टच करके दिखा दे रही हूँ, छू कर मसल कर दिखा दे रही हूँ मैं किस तरह से। देख रहे हैं कितना हल्का है और सॉफ्ट है, मुंह में जाते ही घुल जाएगा। देखिए तोड़ के दिखा दे रही हूँ कितना एयर पॉकेट बना हुआ है, मस्त है। तो इसी तरह से सारे बड़ी को छान के निकाल लेना है, जितना कढ़ी में डालने के लिए जितना मेमर हो उतना ही बड़ी बनाए और कढ़ी। तो सारे कढ़ी बड़ी को छान कर निकाल के रख देंगे अलग बर्तन में, इस तरह से छान लेंगे जितना भी बड़ी हो। और तेल बचेगा तो जितना, बहुत ज़्यादा तेल है तड़का लगाने के लिए तो कम कर देंगे, इस तेल को निकाल लेंगे इसमें से। देखिए कढ़ी अब कैसे बनता है, तो कढ़ी के जिस बर्तन में हम बड़ी बनाए हुए थे उसी में छलनी से फिर से छान लेंगे बेसन। हल्दी डालकर नमक स्वाद अनुसार दही डाल देंगे उसमें और घोलते चल जाएंगे। कहे दही को आस्ते आस्ते धीरे धीरे मिला दीजिएगा, नहीं तो दही फट जाएगा। इस तरह से पानी जितना हमको कढ़ी का हो सकता है उतना पानी डाल के भी घोल लेंगे। और तड़के में डाल देंगे जीरा, 2 लाल मिर्चा डालकर इसको तड़का लगा लेंगे। उसके बाद कढ़ी इसमें डाल देंगे, छलनी से छान के कढ़ी डालिएगा वरना दही भी चल जाएगा। तो दही वाला कढ़ी बनाने के लिए दही को छानना पड़ता है, तो हम लोग भी छान ही देंगे इसको और इसमें बड़ी डाल देंगे और चलाते जाएंगे, कभी रुकेंगे नहीं। अगर रुक गए तो कढ़ाई के नीचे तली में बैठ जाता है तो कढ़ी ख़राब हो जाता है। कढ़ी है कि उसको चलाते रहिए, बड़ी इसमें डाल दीजिए, जब खोल आ जाएगा उबलने लगेगा तो बड़ी सारा बड़ी डालकर उसको चलाते रहेंगे 5 मिनट तक। जितना ही कढ़ी चलाएंगे उतना ही अच्छा है। तो बीच में मैं याद दिला दूं कि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कैसा लगा कढ़ी। देखिए कितना सा लुक लग रहा है इसका, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से कढ़ी आप लोग बना लीजिएगा, मैं गैस बंद कर दी हूँ तो आप लोग को दिखा दे रही हूँ किस तरह से कढ़ी बनाइएगा। आप लोग भी देख लीजिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो आप लोग लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बताइएगा कि कढ़ी कैसा बना। तो कढ़ी को ज़्यादा फेंटिएगा और मीठा सोडा डालिएगा तो कढ़ी आपका बड़ी जो है बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट बनेगा।